नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशोर उपाध्याय। जो माफिया मुख्तार अंसारी पिछले दो साल से तरह तरह की बीमारी का बहाना बनाकर कानून का मजाक उड़ाते हुए खुद को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन यूपी में एंट्री करते ही वो सिर्फ 13 घंटे के अंदर ही व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर चलने लगा। अब वो फिर से ढोंग करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका ये ढोंग योगी राज में नहीं चलने वाला है। खबर है कि बांडा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी डॉक्टरों को रोजाना नई बीमारी बता रहा है। अब उसने बताया कि आंखों से धुंधला दिख रहा है। इस पर डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चश्मा बदला जाना है। वहीं दो दिन पहले भी उसने गले में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने उसका मेडिकल जांच की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने शनिवार को आंखों से धुंधला दिखाई देने की दिक्कत बताई थी। इस पर नेत्र रोग विशेषज्ञ को बुलाकर उनकी आंखों की जांच कराई गई थी। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही हैं। इस पर उन्हें नया चश्मा बनवाने की सलाह दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स बाहुबली विधायक से जुड़े सभी कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। इसी क्रम में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने स्थानीय कोतवाली अंतर्गत नगर के निवासी और अंसारी के करीबी जियाउल्लाह के घर रविवार की दोपहर करीब 12 बजे छापेमारी की। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम परिजनों से मुख्तार अंसारी से कनेक्शन के बारे में पूछताछ करने के बाद वापस लौट गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी के आने के बाद से बांदा जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अब हर समय बाउंड्री गेट पर पीएससी का पहरा रहता है। यहाँ एक एसआई और 6 सिपाही तैनात रहते हैं। पहले एक वार्डन और 3 होमगार्ड की तैनाती रहती थी। शनिवार को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के कुछ करीबी उनसे मिलने पहुंचे थे, जिन्हें प्रशासन ने मिलवाने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि बाउंड्री गेट से लेकर अंदर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर आने जाने वाले की निगरानी हो रही है। बता दें कि मुख्तार अंसारी बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल लाया गया था। बाहुबली को उत्तर प्रदेश पहुंचते उस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। योगी सरकार जल्दी मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता को खत्म करने की कार्रवाई कर सकती है। नियम है कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने से 60 दिन तक एब्सेंट रहता है, यानी कि अनुपस्थित रहता है, तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। तो देखा आपने योगी सरकार के शिकंजे में आते ही मुख्तार अंसारी किस तरह से बिल मिला रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।